इस समय हम मौजूद हैं धर्मापुर, जहां पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम 14 दिसंबर को लगाएगा। आपको बता दें कि जो सपा का स्लोगन है यूपी का जनादेश, आ रहे हैं फिर से अखिलेश। अब अखिलेश सत्ता में आएंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जौनपुर में 14 दिसंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन है, उस पर लेकर क्या तैयारियां हैं थोड़ा सा बात करेंगे आपसे कि क्या तैयारियां चल रही हैं। जी, मैं मोहम्मद अफजल विधानसभा जफराबाद 375 से बात कर रहा हूँ। इसमें जो है यहाँ पर तैयारी यही चले कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 दिसंबर को आने वाले हैं, उन्हीं की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और यहाँ के पूरे जफराबाद विधानसभा के देशवासियों सब एकदम मूड बना लिए हैं। अब की बार अखिलेश सरकार लाना है और सबके आसान सबका विकास तो खत्म हो गया, लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उन्होंने विकास किया था उस विकास को लेके हम लोग 2022 में भारी मतों से 400 लक्ष्य है इन सीटों का हम लोग जीत रहे हैं और सबके मन मन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। सब लोग एकदम महंगाई से और जो लगातार हो रहा है, जो गुंडा राज चल रहा है, सबसे लोग तरस हैं और इस वक्त जो है सबका मूड बन गया है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, माने राष्ट्रीय लेते आना चाहिए। हम लोग उसी को लेकर जुटे हुए हैं और बात कर देख रहे हैं। आप ये बताएं कि जौनपुर के 9 सीटों में सपा की कितनी सीटें निकल रही हैं? 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये बताएं कि जो आप लाल टोपी धारण किए हैं, सत्ताधारी दल का कहना है कि लाल टोपी से जनता को खतरा है। देखिए, लाल टोपी ही देश का जो है वो समझिए शुभ संकेत है। देश में आम आवाम को सुरक्षित रखने का, खुशहाल रखने का ये शुभ संकेत है। समाजवादी पार्टी का लाल टोपी जो है ये शुभ संकेत का निशान है। आज इसी लाल टोपी के प्रति करोड़ों करोड़ों नौजवान, छात्र, किसान, बेरोजगार, मजलूम, मजदूर सब लोग आस और विश्वास लगाए हुए हैं। यह लाल टोपीधारी जब अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे तब इस देश का, प्रदेश का उत्थान होने वाला है। आज गुंडाधारी लोग इस देश को तबाह करने वाले कर दिए हैं और यह लाल टोपी ही एक ऐसी शुभ संकेत है कि 2022 में हम लोग 350 सीटों को जीत के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ है 14 तारीख को, तो कितना सपा नेता और कार्यकर्ताओं में जोश है? पूरा जोश खरोश भरा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ, आप ही आप घुमा लेंगे कैमरे को तो आप देख रहे हैं उस दिन 9 विधानसभा में कार्यक्रम होने जा रहा है 14 और 15 तारीख को। ये सिर्फ जफराबाद विधानसभा का कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पर उस दिन आ जाइएगा 14 तारीख को, आप देखेंगे लाखों लाख की भीड़। यहाँ पर भीड़ जो है स्थान खाली नहीं रहेगा और सड़कों पर देखेंगे आप रेला मचा रहेगा। और इस बार तो खदेड़ा होने जा रहा है, बीजेपी को हम लोग खदेड़ करके यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। यहाँ लाखों लाख की तादाद आप देखेंगे का काम करेंगे। यूपी में कितनी सीटें निकल रही हैं सपा की? 350 पार। 350 हम लोग 350 पार सीटों को जीत करके हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बताएं कि 9 सीटों में कितनी सीटें निकल रही हैं? 9 की 9 सीट निकल रही है। और अभी आपने पूछा कि लाल टोपी का जो पक्ष बोल रहा है, तो लाल टोपी का मतलब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लाल टोपी, जब एक देश का सैनिक अगर मरता है तो उसका खून लाल होता है, और ये जो टोपी है ये जो खून लाल होता है तो ये समझ लीजिए कि देश के हित के लिए जो है यह टोपी के, जितने भी टोपी को पहन के चल रहे हैं, आज जो बीजेपी इस तरह टोपी के बारे में बात कर रही है तो कहीं ना कहीं देश के सम्मान से भी इसको जोड़ा जाता है। और आज जो है यह टोपी की जो बात आप कर रहे हैं, टोपी के लिए सिपाही आपके अंदर जो भी देश के लिए मरता है उसका भी खून लाल होता है, ये समझ लीजिए आप। तो इस तरह से जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वह एक तरह से अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के बचाने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मोबाइल लैपटॉप चलाना नहीं आता, कुछ कहना है? बिल्कुल सही है। अभी आप किसी इंजीनियर को अगर मंदिर में पूजा कराने के लिए भेज देंगे तो वो उसका दिमाग नहीं काम करेगा, कहाँ अगरबत्ती जलाना है, कहाँ पूजा चलाना है। जो लैपटॉप और जो मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति वही चला सकता है। अब वो पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं, इसीलिए तो हमारा देश पेट्रोल महंगा हो गया है, किसानों का जो है साड़ कहाँ बांधना चाहिए, गऊ का कहाँ सम्मान होना चाहिए, सब बेतरतीब चल रहा है। जनता रोड पे आ गई है। लॉकडाउन के अंदर जो है जितने हॉस्पिटल में किसी में काम नहीं हुआ, हमारा जो है बगल में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज में काम हुआ तो कम से कम जौनपुर के लाखों लोग जो है जिंदा होते हैं, उनके परिवार के बीच में होते हैं। और ये जो है मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, 50 रुपये का जो अनाज दे रहे हैं, 150 रुपये का थाला दे रहे हैं। अब इससे आप समझ लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ये जनता आपको जो है 2022 में बता देगी।